हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अर्बिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है इलूम वैली के बारे में। तो कंटेक्स्ट को भी हम जानते हैं। बेसिकली यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलूम वैली की लोकेशन के बारे में। तो देखो, जो इलूम वैली है वो पाकिस्तान में एक प्रोविंस है, खैबूर पख्तानवा, वहाँ पे बेसिकली ये जो है वो लोकेटेड है। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इंडिया में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह यूपीएससी आपको ऑप्शन देके कन्फ्यूज हो कर सकती है। देखो, जो खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, आप जिसे स्टेट बोल सकते हो, तो उसमें बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट है, एक का नाम है स्वात और एक का है बुनेर। तो ये नाम तो स्टेट के याद रखने की, सॉरी, जिलों के नाम रखने याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के खैबूर पख्तूनवा जो प्रोविंस है वहाँ पे बेसिकली इलोम वैली है वो स्थित है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखो, जो इलोम वैली है ना, ये बेसिकली हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए एक तरीके से तीर्थ स्थान के तौर पे काफ़ी फेमस है। और वहाँ पे अभी एक तरीके से कॉरिडोर है वो स्थापित किया जा रहा है रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। हम वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर हेरिटेज पार्क को बनाने की बात है, वो चल रही है। तो उसको लेके बेसिकली अभी कंटेक्स्ट ये आया है। हिंदू धर्म के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हिंदू धर्म में जब श्री राम जी ने अपना वनवास काटा था तो वो बेसिकली इलूम वैली में ही स्थित था। तो इसलिए हिंदू धर्म के लिए इम्पोर्टेंट है और बौद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी वहाँ पे क्या है, हेरिटेज पार्क है वो बनाया जाएगा इलूम वैली में, इसलिए उसको डेवलप है वो किए जाने की बात है। इसी के साथ ही इलूम वैली है उसमें पूरे में इंटायर फेंसिंग की जाएगी, जालबंदी की जाएगी, एक सेपरेट ट्रैक है वो तैयार किया जाएगा ताकि हेरिटेज पार्क को अच्छे से कंजर्व है वो किया जा सके और जो तीर्थयात्री जाएंगे उनको बेसिक सुविधाओं का लाभ है वो मिल सके। तो यूपीएससी बेसिकली इलूम वैली की लोकेशन के बारे में पूछ सकती है और पूछ सकती है कौन सी कम्युनिटी से बेसिकली बिलोंग है वो करता है। तो ध्यान रखना है हिंदू और बुद्धिस्ट, यूपीएससी दे सकते हैं कि बौद्ध और जैन वगैरह, इस तरीके से कन्फ्यूज है वो हमें कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है एक्साइज अवेंद्रा के बारे में। देखो, एक्साइज अवेंद्रा है वो बेसिकली हम बात करें रशिया के साथ इंडिया की एक्साइज है। कौन सी एक्साइज है ये है? बेसिकली एयरफोर्स एक्साइज, मतलब एयरफोर्स की एक्साइज है इंडिया और रशिया की, उसका नाम है एक्साइज अवेंद्रा। तो एक्साइज अवेंद्रा का 2018 जो एडिशन है वो इंडिया के अंदर जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जोधपुर है वहाँ पे अभी आयोजित है वो किया जा रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि एक्सट्रा जो अवेंद्र है वो, उसका बेसिकली पहला एडिशन है वो 2014 में स्टार्ट है वो हुआ था। तो ये चीज़ फैक्ट में इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बेसिकली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को लेके। देखो, अभी रिसेंटली पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर मैनेजमेंट के, वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट को फोकस करते हुए। कहाँ पे हुई थी ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बन जाता है। ये बेसिकली माहौली में अभी आयोजित है वो की गई थी। इस बार की थीम थी वो थी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो ध्यान रखना, यूपीएससी ऑप्शन दे सकती है कि दिल्ली में आयोजित वगैरह हुई है स्टेटमेंट के थ्रू। तो पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसके द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है वहाँ पे बेसिकली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को लेके कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई है। किसके द्वारा? यह आयोजित की गई है बेसिकली नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का है, उसके द्वारा बेसिकली स्टार्टअप है या ये कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई है। अब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित क्यों हुई है वो हम देखते हैं। देखो, आपको जैसे पता ही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, हम बात करें इंडिया की, तो वाटर क्राइसिस आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई पानी का है वो सस्टेनेबल ढंग से यूज़ करना है, सतत यूज़ पानी का करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी पानी है वो आराम से मिल सके। और ऐसा नहीं है कि हम पानी को एक्सप्लोइट करें और पानी का मिसयूज या दुरुपयोग है, उनको रोकने के लिए किस तरीके की हमें आगे स्ट्रेटजी लेके आनी है, पॉलिसी लेके आई है, उन सब के लिए बेसिकली सस्टेनेबल पॉलिसीज है उनको प्रमोट करने के लिए वाटर मैनेजमेंट में ये कॉन्फ्रेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के माहौल में आयोजित हुई है, पहला एडिशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही वाटर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस है, एक तरह की जागरूकता लोगों में वो फैलाई जाएगी। और हम ऑल ओवर बात करें कि इसका मेन एम है, मेन जो मोटो है वो यही है कि जो एडवांसमेंट इन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको तैयार है वो डेवलप है वो करना। इसी के साथ ही फ्लड और जो सूखा आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके ऊपर बेसिकली फोकस करना। देखो, उसके ऊपर फोकस करने का मतलब यह है कि सिर्फ फ्लड आ रही है तो मतलब जो पानी हमारे पास एक्सेस में है उस पानी को हम सही ढंग से स्टोर कर लें ताकि इन केस ऑफ फ्यूचर जब भी हमें पानी की जरूरत हो तो हम उस पानी का यूज़ कर सकें। सूखा आ रहा है तो हमें पानी, हमारे देश में जितना भी पानी है जो भी अवेलेबल है उस पानी के रिसोर्स का हम ऐसे यूज़ करें ताकि सूखे जो वाले एरिया हैं वहाँ पे भी पानी है वो आराम से एक्सेस है वो हो जाए। तो इसलिए बेसिकली ये इसका फोकस है वो रहेगा। तो यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकती है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के बारे में। देखो आपको पता है कि 2017 के अंदर खेलो इंडिया प्रोग्राम वो स्टार्ट हुआ था और बेसिकली इसमें 17 और 21 साल के यूथ के दो प्रोग्राम वो स्टार्ट किए गए थे। तो अभी इसका सेकेंड एडिशन है वो आयोजित है वो किया जा रहा है। तो यह ध्यान में रखना कि खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो है क्या, हम ये देखते हैं। देखो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है वो बेसिकली हमारे देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, देखो जैसा हमने काफ़ी बार देखा है कि जब भी कॉमनवेल्थ होते हैं और भी प्रोग्राम होते हैं तो अदर कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी सारे गोल्ड मेडल है वो लेके आती हैं और इंडिया के गोल्ड मेडल काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स पे फोकस वो कम किया जा रहा था। तो अभी उसी दिशा में मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना जो ग्रास रूट लेवल पे हम स्कूली जो लेवल है वहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और एक तरीके से जो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया जा सके इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए। इसके लिए बेसिकली ग्रेट स्पोर्ट नेशंस के तौर पर इंडिया को डेवलप करने के लिए खेलो इंडिया स्कूल प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और जो कमेटी होती है हाई पावर्ड कमेटी वो क्या करती है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट है एक तरीके से स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करवाती है। हर जो भी बच्चे एक तरीके से सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर उनको 5 लाख रुपये पर एनम के हिसाब से 8 साल तक पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने स्पोर्ट्स पर एक तरीके से अपनी प्रैक्टिस है वो जारी कर सकते हैं, कोच वगैरह को हायर है वो कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो है क्या। बेसिकली देखो जो गवर्नमेंट का खेलो इंडिया मेन प्रोग्राम है उसी के तहत खेलो इंडिया स्कूल गेम मतलब स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है खेलो इंडिया के तहत वो हो गया स्कूल गेम प्रोग्राम। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है बेसिकली नोने ब्रिज के बारे में। देखो इंडिया है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो बनाने भी जा रहा है तो उसको लेके न्यूज है वो आई है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा मणिपुर के नोने एरिया में बेसिकली इस ब्रिज को डेवलप है वो किया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना है कि यह इंडिया का सबसे टैलेस्ट होगा और वर्ल्ड की भी सबसे टैलेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी यह प्रस्तावित है बना नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है और ये बेसिकली बनाया जाएगा यहाँ पे। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, एजाई रिवर है बेसिकली नोने में जो कि मणिपुर में, उस रिवर के ऊपर बेसिकली 141 मीटर लंबा ये ब्रिज है, 141 मीटर ऊंचा सॉरी जो ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। इसकी टोटल जो लेंथ होगी वो होगी 703 मीटर। तो हमें बस यही लोकेशन पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर में नोने नाम की जगह है वहाँ पर बेसिकली ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पर छोटा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है और काफ़ी अच्छी इसमें न्यूज़ है तो हम इसके डिस्कस हैं वो करते हैं। देखो जैसा कि हमें पता है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है वो WHO के द्वारा रिलीज़ है वो की जाती है। तो अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 रिलीज़ की गई और उसमें इंडिया की जो हालत है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वो बताई गई है। तो हम इस रिपोर्ट के बारे में जो कुछ फैक्ट है वो डिस्कस करेंगे। इनका हम देखो आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली और मैक्सिमली ऐसे में भी काफ़ी अच्छा हमारे लिए फोल्डर मटेरियल के तौर पे काम है वो आ सकते हैं। क्योंकि देखो जब भी हम एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हैं ना तो वहाँ पे अगर हम कोई चीज़ फैक्चुअल डाटा प्रोवाइड करवाते हैं तो एक तरीके से क्या कि एग्जामिनर के मन में थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। तो हमें अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा याद हो तो काफ़ी हेल्पफुल वो रह जाता है। और आपको पता है कि इंडिया में कुपोषण के लिए माल न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चला रखे हैं तो उन सब के लिए एक तरीके जब भी अगर ऐसे राइटिंग हो तो वहाँ पे भी हमें इस डाटा का यूज है वो कर सकते हैं। तो इसे आर्टिकल को हम डिस्कस करने से पहले हम तीन वर्ड हैं वो समझते हैं। एक तो होता है वेस्टिंग, एक होता है स्टंटिंग और एक होता है अंडरवेट और एक चौथा वर्ड और होता है ओवरवेट। तो हम इन चारों वर्ड को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। पहले देखो वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि लो वेट फॉर हाइट मतलब जितनी जो हाइट है ना उस हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम होना ये तो हो गया वेस्टेड। ये आपको ध्यान रखना है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी बच्चे की हाइट है उससे कम वेट होने पे होता है वेस्टिंग की प्रॉब्लम। स्टंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि जितनी बच्चे की एज है ना उस हिसाब से बच्चे की हाइट कम। जैसे देखो बच्चे की एज है अकॉर्डिंग टू रूल मान लो कि 5 साल का बच्चा है और उसकी हाइट होनी चाहिए 3 फीट तो उसकी हाइट अगर कम हो रही है उसकी हाइट 2 फीट ही है तो उसको हम लोग कहेंगे बच्चा स्टंटिंग से पीड़ित है। ये देखो तीनों ही टर्म्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार जब भी रिपोर्ट आती है बार बार जब भी नई रिपोर्ट्स आती हैं काफ़ी सारा डाटा आता है तो वहाँ पे वर्ड आते हैं सामने हमारे बार वेस्टिंग स्टंटिंग अंडरवेट तो इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए इनका पता होना चाहिए। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट बहुत कम है। और अंडरवेट का मतलब क्या है, अंडरवेट का मतलब ये है कि बच्चे की जो एज है
बच्चा एज की एज ये मान लो कि बच्चे की एज हो रही है 5 साल और उसके अकॉर्डिंग उसका वेट है वो कम है, मतलब 5 साल के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट होना चाहिए मान लो कि 15 किलो और उसका वेट है 10 किलो, इसका मतलब वो क्या हो गया अंडर वेट में। और वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, बच्चे की हाइट जितनी है, बच्चे की हाइट होनी चाहिए 3 फीट, बट बच्चे की हाइट के 3 फीट होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए मैं मान लो कि 15 किलो, बट उसका वेट है 10 किलो, तो वो हो जाएगा वेस्टिंग। तो वेस्टिंग और अंडरवेट में दोनों में हमें डिफरेंस को क्लियर रखना है। वेस्टिंग के अंदर क्या काउंट होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट है वो नहीं होना, और अंडरवेट का मतलब क्या होता है कि बच्चे की जो एज है जितनी साल का वो हो रहा है उससे कम उसका वेट है वो हो रहा है अकॉर्डिंग टू रूल। और ओवरवेट का मतलब क्या होता है मोटापा, मतलब जितनी हाइट है उससे ज्यादा उसका वेट है वो हो रहा होता है ओवरवेट। तो बेसिकली 3 वर्ड आते हैं बार बार, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट, तो इनके हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिया है। अब हम चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है WHO के द्वारा, इसमें यह कहा गया है कि इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब बच्चों की हाइट है एज के अकॉर्डिंग वो नहीं है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम इंडिया में सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये बेसिकली डाटा यहाँ पे सामने है वो आया है। और हम बात करें एक तरीके से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दी गई है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने बच्चे स्टंटिंग से पीड़ित है ना उसमें से मैक्सिमम हम बात करें तो लगभग 22.2% बच्चे हैं वो तो एक्चुअली इंडिया के अंदर ही हैं, तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 32.6% जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है वो कम हुई है, बट इसके बाद भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है वो बढ़ी है। इसके साथ ही हम बात करें कि लो बर्थ वेट की, कि बच्चे की हाइट जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उसका जितना वेट होना चाहिए उससे कम भी वेट के बच्चे पैदा हो रहे हैं, योजन का डाटा दिया गया लगभग 20 मिलियन, मतलब 20 मिलियन बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी जो बर्थ के टाइम पे जो वेट होता है उससे भी कम उनका वेट है वो है, मतलब अंडर वेट वो बेसिकली पैदा हो रहे हैं। इसके साथ ही 3 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं वर्ल्थ में जो कि ओवर वेट है, मतलब उनका वेट है वो उनके अकॉर्डिंग टू एज और जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, और ये प्रॉब्लम है वो एडल्ट या आप बोल सकते हो कि वयस्क लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और वुमेन के लिए भी एक फैक्ट ये आया है कि जो ऑल ओवर वुमेन है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है, देखो ये जो डाटा है यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड का है कि वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव एज है यानी कि जो प्रजनन क्षमता का जो काम है उसमें हम बात करें तो एनीमिया वुमेन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो करता है, और रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन है वो अबाउट 1/3 वुमेन, मतलब 1/3 महिलाएं हैं वो तो एनीमिया से पीड़ित हैं वो होती हैं। तो ये कुछ डेटा बेसिकली सामने है वो आया है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करें इंडिया का भाई हाल कैसा है, तो देखो इंडिया में स्टंटिंग की प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में लगभग 46.6 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग से पीड़ित हैं। अब देखो स्टंटिंग से पीड़ित होने का मेन रीज़न ये है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन से प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए ये प्रॉब्लम वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हम बात करें वेस्टिंग की, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ही वेस्टिंग के केस हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह से पता चल रहा है कि इंडिया में कुपोषण की समस्या कितनी गंभीर है, तो ये फैक्ट यहाँ पे सामने आया है। इसी के साथ दिया गया डाटा भी कि इंडिया में लगभग 25.5 मिलियन चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो कि वेस्टिंग या बेसिकली मतलब मोटापे से पीड़ित हैं, तो ये डाटा हमारे सामने यहाँ पे आया हुआ है। इसके साथ ही एक डाटा इसमें ये दिया गया है कि हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो भी वेस्टिंग का बर्डन है उसका आधा बर्डन तो हमारे देश में ही है, तो ये कुछ फैक्ट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं कि देखो हमारे देश में कुपोषण की समस्या किस लेवल तक फैली हुई है और इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो प्रभावित हो सकता है, हमारे जो देश के रिसोर्सेज हैं उनको बेसिकली हमें हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ सकता है, तो वहाँ पे इन पॉइंट्स का हम यूज है वो बेसिकली कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।